Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss about the neonatal hypothermia. In the previous lecture, we have discussed the disease that is more common in the neonatal, that is more common in the preterm. So neonatal hypothermia is one of the disease which is more common. So let us discuss. Neonatal hypothermia. First of all, you already know about the neonatal, that which means newborn. Hypo means low and thermia means temperature. तो अब समझना आसान हो गया होगा कि न्यूबॉर्न में अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो हम लोग कहेंगे उसको न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, या कभी कभी गांव या रूरल एरियाज में आपने सुना होगा कि बच्चा ठंडा है, बच्चा ठंडा हो गया, तो वो कुछ नहीं, वो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया ही होता है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर लो हो गया तो पहले ये जानना पड़ेगा कि न्यूनेटल का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूनेट दैट इज 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनेट का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब डिफिनेशन की बात करें, टेम्परेचर कितना हो गया नॉर्मल? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है टेम्परेचर तो वो कहलाएगा न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्योनेट लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस इस टर्म एज न्योनेटल हाइपोथर्मिया। अब क्लियर हो गया होगा कि लो टेम्परेचर हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं। तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है बेबी का टेम्परेचर तो हम लोग कहेंगे कि वो कंडीशन क्या हो गया, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया का कंडीशन हो गया। नाउ लेट अस सी वेज बाय विच टेम्परेचर ऑफ अ न्यूनेट इज असेस्ड। तो अब हम लोग पता कैसे करें कि उसका टेम्परेचर है कितना, तभी तो हम लोग पता पाएंगे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा है या नॉर्मल टेम्परेचर से कम है। तो वो क्या वेद है जिससे हम पता करें, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वेज डिजिटल थर्मोमीटर।
डिजिटल थर्मोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, थर्मिस्टर प्रोब, थर्मिस्टर प्रोब। व्हेन द बेबी इज इन रेडिएंट वार्मर और इनक्यूबेटर, टच मेथड, ये तीन वेज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू असेस द टेम्परेचर ऑफ अ न्यूरेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मोर कॉमन, डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर को हम लोग 3 मिनट तक लगा के देखते हैं आर्मपिट में, बेबी के आर्मपिट या आर्मपिट में लगाते हैं और इसको एकदम स्ट्रेट रखते हैं। बेबी अगर सुपाइन में लेटा हुआ है तो ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो इसके स्ट्रेट लगाना होता है, और वो कब तक रखना है आर्मपिट में, कम से कम 3 मिनट तक, तब जो टेम्परेचर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, तो उससे पता चलेगा। दूसरा थर्मिस्टर प्रोब, NICU वगैरह अगर वार्ड गए होंगे तो आप लोग देखा होगा एक वार्मर रखा होता है, उसको हम लोग रेडिएंट वार्मर कहते हैं, या इंक्यूबेटर रखा होता है, उस दौरान हम लोग थर्मिस्टर प्रोब लगाते हैं जो कि ऐसे बताता है कि कितना टेम्परेचर है। फिर तीसरा जो मेथड है जो वो है टच मेथड, हम लोग पाम वगैरह से टच करके बताते हैं कि ठंड है या गर्म है या टेम्परेचर ज्यादा है गर्म है, फील करते हैं हम लोग, फील करते हैं बेसिकली हैंड से, टच मेथड से, क्रूड वे है। तो ये 3 मेथड है थर्मोमीटर असेस करने का, और न्यूनेटल हाइपोथर्मिया ये हम लोग देखें, डेफिनेशन देखें, फिर वेज देखें, फिर बेसिकली हम लोग आगे देखते हैं। टच मेथड को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। टच मेथड, एब्डोमेन, पाम एंड सोल इंटरप्रिटेशन। अगर एब्डोमेन वार्म हो, एब्डोमेन फील करने पर कैसा लगे, वार्म लगे, पाम बेबी का पाम या सोल फील करने पर ऐसा फील आ रहा है, वार्म आ रहा है, तब इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या समझेंगे कि वो ठीक ठाक है, थर्मल कंफर्ट है, वो केस है थर्मल कंफर्ट है, बेबी ठीक ठाक है। दोनों एब्डोमेन, एब्डोमेन और पाम या सोल दोनों फील करने पर, टच करने पर वार्म फील हो तो हम लोग कहेंगे कि वो थर्मल कंफर्ट पे है। एब्डोमेन वार्म हो बट पाम एंड सोल कोल्ड हो तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज कोल्ड स्ट्रेस। तो टच करने पे एब्डोमेन वार्म हो बट पाम एंड सोल कोल्ड हो तो उस कंडीशन को हम लोग कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। बट एक कंडीशन आता है कि एब्डोमेन कोल्ड हो, पाम एंड सोल भी कोल्ड हो, तब उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपोथर्मिया। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हैं आप बात को? एक बार फिर से, एब्डोमेन पाम और इंटरप्रिटेशन। एब्डोमेन वार्म हो, पाम एंड सोल भी वार्म हो, तब वो कंफर्ट जोन में है, थर्मल कंफर्ट में। एब्डोमेन वार्म हो बट पाम एंड सोल कोल्ड हो तो हम लोग उस टाइम कहेंगे कि ये कंडीशन कोल्ड स्ट्रेस का है। बट एब्डोमेन भी कोल्ड हो साथ ही साथ पाम एंड सोल भी कोल्ड है तो उस वक्त हम लोग कहेंगे ये हाइपोथर्मिया है।
अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइपोथर्मिया। क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइपोथर्मिया, कैटेगरी एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली इसका तीन क्लासिफिकेशन है, कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। थर्टी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस, थर्टी फाइव पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। क्लासिफिकेशन हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन तीन होता है, कोल्ड स्ट्रेस अगर टेम्परेचर 36 या 36.4 डिग्री सेल्सियस से कम है, 36 या 36.4 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको कहें कोल्ड स्ट्रेस, अगर 32-35 डिग्री सेल्सियस है तो वो मॉडरेट हाइपोथर्मिया केस होगा, और अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम लोग कहेंगे वो सीवियर हाइपोथर्मिया है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है न्यूनेटल का, तो 36.5-37.5, ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो वो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया का केस है, और तीन कैटेगरी है, तीन कैटेगरी इस तरीके से है। Now, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर ऑफ अ बेबी वी मॉनिटर, मतलब बेबी का टेम्परेचर जो है कितने देर में हम लोग को मॉनिटर करना चाहिए, तो वो चार कंडीशन है। पहला देखते हैं हम लोग स्टेबल टर्म बेबी, यानी कि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और बेबी टर्म भी है, तब उस वक्त हम लोग को जो है टेम्परेचर दिन में बस एक बार चेक कर लेने का, मॉनिटर करने का है। और अगर अगर बेबी का बर्थ हुआ लेकिन उसका वेट जो है 1500 ग्राम से 2499 ग्राम है, तो उस समय हम लोग को टू टाइम्स अ डे, दो बार दिन में दो बार मॉनिटर करने की जरूरत है। और बर्थ वेट अगर 1500 ग्राम से कम है तब हम लोग फोर टाइम्स अ डे टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, बट अगर बेबी सिक है, बीमार है, तो उस वक्त हम लोग 1-2 आवर्ली एक दो घंटे में लगातार हर दो घंटे पे हम लोग को टेम्परेचर मॉनिटर करने का जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर कैसे मॉनिटर करें, ये सब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई हाइपोथर्मिया इज मोर कॉमन इन न्यूनेट्स, ये न्यूनेट्स में हाइपोथर्मिया ज्यादा क्यों होता है, मतलब ओल्डर चिल्ड्रेन या एडल्ट में ये कॉमन नहीं हो पाता है, ये न्यूनेट्स में ही क्यों ज्यादा होता है, तो उसके कुछ रीजन है, वही रीजन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो न्यूनेट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, न्यूनेट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो अदर ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट के कंपैरिजन में लार्ज होता है। जब सरफेस एरिया लार्ज है तो हीट लॉस भी कितना होगा, ज्यादा होगा, जब हीट लॉस ज्यादा होगा तो केस किसका बनेगा, हाइपोथर्मिया का, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैक्सिमम हीट लॉस टेक प्लेस फ्रॉम द हेड ऑफ अ न्यूनेट, न्यूनेट हैव लेसर सबक्यूटेनियस फैट्स, न्यूनेट्स के पास जो सबक्यूटेनियस फैट्स होता है वो कैसा कम होता है, ठीक है, जिस और खास तौर पे प्रीटर्म के केस में या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज के केस में और ज्यादा ही सबक्यूटेनियस फैट कम होता है, तो हीट लॉस आसानी से होगा, ज्यादा चांसेस होता है इन लोगों की ये एक्सपोज हो, वल्नरेबल टू गेट एक्सपोज, जिसके वजह से टेम्परेचर लॉस आराम से हो जाता है।
शिवरिंग जो मैकेनिज्म होता है वो एब्सेंट होता है न्यूनेट में। अगर हम लोग को ठंड फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शिवर कर लेते हैं, जो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बट इसमें शिवरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके वजह से ये हाइपोथर्मिया का केस बन जाता है। तो पहला जो रीजन था वो लार्ज सरफेस एरिया का था। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा हेड क्या हो रहा है, हेड से मैक्सिमम हीट लॉस कर रहा है, सबक्यूटेनियस फैट इसमें कम होता है, चांसेस ज्यादा होता है इन लोगों का एक्सपोज होने का, शिवरिंग मैकेनिज्म जो है एब्सेंट होता है। तो ये कुछ रीजन था जिसके वजह से जो हाइपोथर्मिया केस जो है न्यूनेट्स में ज्यादातर देखा जाता है आसानी से। अब लोग देख रहे हैं वेज बाय विच न्यूनेट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से कैसे ये लोग न्यूनेट्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला जो हेडिंग है वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग क्या था, एब्सेंट था इसमें, तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। ये होता, ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, तो प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्राउन फैट के बारे में। तो न्यूनेट्स में ब्राउन फैट का प्रेजेंस होता है जिसके वजह से नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। तो एरिया रिच इन ब्राउन फैट, तो कौन कौन सा एरिया है जहां पे ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है, एक्सिला, ग्रोइन एरिया, नेप ऑफ द नेक, पीछे नेक के पीछे वाला हिस्सा, या इंटर स्कैपुलर एरिया रीजन, इन सब जगह पे ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है और इसके वजह से न्यूनेट जो है हाइपोथर्मिया के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग देख रहे थे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो उसमें आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस कुछ। बेबी इज एक्सपोज टू कोल्ड एनवायरनमेंट, बेबी कोल्ड एनवायरनमेंट एक्सपोज हुआ तो उस दौरान होगा क्या, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन होने के बाद रिलीज क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होगा वो क्या करवाएगा, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कराएगा। जैसे ही ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करवाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा। न्यूनेट्स में क्या होता है, ब्राउन फैट होता है, तो वही नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का ये प्रोसेस है कि बेबी एक्सपोज हुआ कोल्ड एनवायरनमेंट में, फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अकर हुआ, उसके बाद रिलीज हुआ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करवाया और ये इसके होने के बाद हीट जो है जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से वो हाइपोथर्मिया को से हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करवा लेता है। इसका नेक्स्ट हम लोग रीजन देखते हैं, सेकेंड रीजन क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड एनवायरनमेंट। थर्ड रीजन फ्लेक्स्ड पोस्चर फोर्थ हायर हार्ट रेट इन न्यूनेट ज्यादा हार्ट रेट होगा तो उससे क्या होगा मोर कार्डियक आउटपुट होगा मोर कार्डियक आउटपुट मोर कार्डियक आउटपुट होने की वजह से क्या होगा मोर ऑक्सीजन ऑफ ब्लड मोर ऑक्सीजन ऑफ ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन होगा ब्लड में उससे क्या होगा मोर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ज्यादा होगा और रेस्पिरेशन ज्यादा होगा उससे क्या होगा हीट जनरेट होगा। पहला
हाइपोथर्मिया के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था, पहला रीजन था नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जो लोग डिटेल में देखें। सेकंड जो वेज था वो है स्क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ जिसके वजह से क्या हो गया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो गया। तीसरा फ्लेक्स्ड, जैसे हम फ्लेक्स एक्सटेंडेड नहीं, फ्लेक ऐसे करके पोस्चर्स, फ्लेक्स फ्लेक्स पोस्चर, उसमें क्या हुआ, हीट लॉस मिनिमम होगा, मिनिमम हीट लॉस होगा तो उससे हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर हायर हार्ट रेट, न्यूनेट्स में क्या होता है, हार्ट रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, जब रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो हीट जनरेट होगा, तो हीट जब जनरेट होगा तो जो हाइपोथर्मिया का केस है, कंडीशन है, वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वेज था जिसकी वजह से न्यूनेट जो है हाइपोथर्मिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन अपने आप को करवाता है। ठीक है, ये कुछ वेज था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोथर्मिया। कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल फीचर्स, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथर्मिया। बेबी अगर वार्ड में है और किसी ने बोल दिया कि हाइपोथर्मिया का कंडीशन आया है वार्ड में, तो कैसे पहचाने हम लोग कि वो हाइपोथर्मिया क्या, क्या क्या फीचर्स होगा उसमें, तो हम लोग देखें देख करके। पहला इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, कहने का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, कंडीशन क्या बताएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, कंडीशन क्या होगा, हाइपोक्सिया। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपोथर्मिया वाले केस में जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो सारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो गया तो उसके अंदर हर चीज जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ज्यादा यूज होने लगेगा, ज्यादा यूज होने लगेगा तो वो केस बन जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया का, मतलब ग्लूकोज उसके बॉडी में कम हो जा रहा है, ग्लाइकोजन कम हो जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होने लगता है उसमें, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होने लगता है, जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होने लगेगा तो ऑक्सीजन क्या पड़ जाएगा, बॉडी में कम होने लगेगा, तो कंडीशन हो जाएगा हाइपोक्सिया का। उसके बाद एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने लगेगा, तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो इसका वेज क्या है, What are the ways to prevent neonatal hypothermia? Neonatal hypothermia. Neonatal hypothermia से कैसे बचाएं? तो इसका एक कंडीशन है warm chain. वॉर्म चेन, हम लोगों ने पहले एक कोल्ड चेन पढ़ा था, वो अलग चीज है वैक्सीनेशन में, और अब जो है वो हम लोग वॉर्म चेन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं टॉपिक वो है वेज टू प्रिवेंट न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, इसमें हम लोग बात करेंगे वॉर्म चेन का,
तो वॉर्म चेन है क्या, ये 10 स्टेप्स है बेसिकली, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। वॉर्म चेन में आएगा क्या, पहला वॉर्म डिलीवरी रूम, जो डिलीवरी रूम होता है ड्यूरेट्स का, वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आइडियली जो टेम्परेचर रहता है उसमें 22 to 26 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वार्म रिसक्सिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग, जैसे ही बर्थ हुआ डिलीवरी हुआ उसके बाद हम लोग बेबी को ड्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट सर्फेस एरिया होता है, हीट लॉस करेगा तो फिर वो हाइपोथर्मिया केस में जा सकता है, तो उसके प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएट ड्राइंग करेंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग होगा, बाथिंग पोस्टपोन, यानी जो बाथ होगा वो पोस्टपोन कर देंगे हम लोग बाद में। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, क्लोथिंग से कवर कर देंगे ताकि हीट लॉस कम से कम हो। मदर एंड बेबी टुगेदर, मतलब माँ को और बेबी को दोनों को साथ में रखेंगे, एक ही रूम में रखेंगे, एक ही बेड पे रखेंगे। प्रोफेशनल अलर्टनेस, जो प्रोफेशंस जो हेल्थ केयर हो गए उनको ज्यादा अलर्टनेस होने की जरूरत है कि टेम्परेचर बेबी का कैसा है, उसको मॉनिटर करें, अगर कम है तो उसके इमरजेंसी में हम लोग देखेंगे। वार्म ट्रांसपोर्टेशन, तो ये कुछ वार्म चेयर का 10 स्टेप्स हैं जो कि जो हम प्रिवेंट करते हैं हाइपोथर्मिया से। अब देखते हैं डिवाइसेस, क्या क्या डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जो प्रिवेंट करेगा हाइपोथर्मिया को। तो पहला जो डिवाइस है वो है रेडिएंट वार्मर, ये बेसिकली आप लोग नीकू वाले के वार्ड में देखे होंगे, इस तरह का रहता है जहाँ पे बेबी को यहाँ पे लिटाया जाता है और ऊपर से हीट रेडिएशन के द्वारा आता है बेबी पे, ये वाला केस रेडिएंट वार्मर। इसमें क्या होता है, जो हीट बेबी को मिलता है वो रेडिएशन वाले मैकेनिज्म से मिलता है, मैक्सिमम हीट जो लॉस होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है रेडिएंट फॉर्मर में। अब दूसरा जो डिवाइसेस है वो है इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर इस तरह का होता है, एक ग्लास का बना हुआ होता है इस तरीके का, और यहाँ बीच में होल होता है ताकि हैंड्स को अंदर ले जा सके और बच्चे को केयर प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें जो है ये प्रिफर किया जाता है 30 वैसे बेबी को, वैसे जिसका बर्थ लेस देन 32 वीक्स हुआ हो, तो प्रिफर फॉर द प्रीटर्म यूनिट। मैकेनिज्म जो होगा इसमें, जो हीट मिलता है बेबी को वो है कन्वेक्शन के थ्रू, और हीट लॉस जो होगा वो रेडिएशन के थ्रू होगा। ये आपका रेडिएंट वार्मर है, ये इनक्यूबेटर है। और तीसरा जो मैकेनिज्म है वो कैंगारू मदर केयर है, इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है जिसके वजह से बेबी को, बेबी का जो बॉडी है टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है मदर से, मदर और बेबी को टुगेदर रखने से, साथ में इसके टिस्कुन कॉन्टैक्ट करने का मदर कैंगारू मदर केयर। तो ये कुछ वेद है जिसके वजह से न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को हम लोग प्रिवेंट करते हैं, हाइपोथर्मिया से बचाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हाइपोथर्मिया को डिस्कस किया है, उसके क्लिनिकल फीचर्स को, उसके क्लासिफिकेशंस को, और कुछ वेज हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सके हाइपोथर्मिया को। तो आज के लेक्चर में जो भी आपको अगर क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और आप आंसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।